गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, वर्किंग इन RPIT कॉलेज कैंपस करनाल। देखो, हमने डिस्कस करा था क्या, फोर्थ यूनिट एलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने एलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, बाइनरी ऑपरेशंस डिस्कस करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हमने डिस्कस करी थी। था उसके अंदर हमारे पास लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मेरे पास क्या है, अगर ए मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जी का, तो इसको हम इस सेट टू बी सेट ऑफ जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई कब कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इफ़ यदि मेरे पास ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के, फॉर ऑल ए और बी कहाँ से आएगा जी से। थैंक यू। डिफाइंड ऑन इट्स कॉल्ड इन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ना एग्जांपल देख लेते हैं। ए स्टार इज इन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है, वन और मोर देन बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब एक से ज़्यादा अगर वो बाइनरी ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, एकोपाइड कर रहा, तो वो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या उस सेट को बोलेंगे हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ना। तो एग्जांपल इसका, जी स्टार इज इन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्योंकि मेरे पास इसमें क्या है, देखो क्या है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास वन बाइनरी ऑपरेशन आ रहा, स्टार वन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर के साथ हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो वन बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, उसमें एकोपाइड कर रहा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास रियल नंबर के साथ हम अगर प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो इसमें मेरे पास क्या है, दो मेरे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इनको बोलते हैं हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बाइनरी ऑपरेशंस देख लेते हैं क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। अगर मेरे पास जी मेरे पास कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जी, स्टार इज, अगर मेरे पास स्टार, इस स्टार को हम इस सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशंस, इफ यदि मेरे पास इट इज ए स्टार बी बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट के अंदर, सच दैट जो ए बी है वो कहाँ से आएंगे, सेट के अंदर से आएंगे, है ना। देखो बाइनरी ऑपरेशंस मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई जी मेरे पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है, देन स्टार, उस स्टार कोई मेरे पास बाइनरी, मतलब देन तब जो स्टार है, जो ऑपरेशन है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे कि जब मेरे पास ए स्टार बी कहाँ से आएगा, बिलोंग से में ऐसा आएगा, और ए बी मेरे पास कहाँ से है, कहाँ से है, सेट से है, तो उस स्टार को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद इसके अंदर मेरे पास करती है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में मेरे पास सबसे पहले कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस, इफ यदि मेरे पास ए स्टार बी बिलोंग टू करेगा जी के अंदर, एंड सच दैट ए बी कहाँ से आएंगे, जी से आएंगे। सेकंड मेरे पास कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ए स्टार ना, ये एक मेरे पास कोई एक वही है जी, मेरे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस वही स्टार, तो ए स्टार बी स्टार सी, दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी एंड स्टार सी, तो सच दैट ए बी सी बिलोंग करेगा जे के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी स्टार, मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, देन ई मेरे पास कोई आइडेंटिटी है किसका, जी से, तो इफ स्टार, इफ फॉर ऑपरेशन स्टार, इफ यदि मेरे पास ए स्टार ई, दिस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ए आ जाता है या ई स्टार ए इक्वल आ जाता है ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग कहाँ से करेगा, जी से, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, जी से आएगा। उसके बाद आता है इनवर्स एलिमेंट्स। इनवर्स एलिमेंट्स में लेट मेरे पास वही स्टार बी या बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार मेरे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट एक यूनिक एलिमेंट मुझे मिलेगा जिसके अंदर बी बिलोंग करेगा जी के अंदर, सच दैट ए स्टार बी दिस इज इक्वल टू ई, और बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए, और ये मेरे पास स्टार करने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो वो मेरे पास कहेगा
B is the inverse of A. Thank you.